अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। क्या हाल आप लोगों का? खैर से सब ठीक ठाक हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज ईद का पहला दिन है और मैं तैयार हो चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल मैं रेडी हो चुका हूँ। अब जो है वो ईद की नमाज़ पढ़नी है, जिसके लिए हम लोग फटाफट निकलने वाले हैं क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। तो चलते हैं फटाफट ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपसे आगे चलकर बात करते हैं। चलिए गाइस चलते हैं। फ्रेंड्स, आ रहे हैं लोग नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, तीन दफ़ा मिलने वाला सिस्टम बड़ा खतरनाक है भाई। हैं तीन मतलब हर किसी से मिलेंगे तो कितनी दफ़ा हो जाएगा? दरअसल तो मैं एक ही दफ़ा से मिलता हूँ। तो सामा ये बताओ, कहाँ की तैयारी है ईद की नमाज के बाद? हैं घर की अभी तो फिलहाल। घर की तैयारी है, कहाँ जाते हो पहले दिन? पर भी नहीं, घर पे ही होते भाई पहले दिन। तकरीबन हमारा भी जो है वो घर पे गुजरता है, लेकिन इत्तफाकन आज की हमारी नानी की दावत है, तो हम आज पहला दिन है ईद का, तो हम लोग जाएंगे नानी के यहाँ। तो उससे पहले हम ज़रा जाएँ घर, ज़रा जाके खाना पीना करें, क्योंकि नींदें भी पूरी नहीं हुई चांद से पूरी रात। रमज़ानों की पूरी रात जागने की आदत होती है ना हमारी, तो उससे पूरी रात हम जागें, हम लोग सोए नहीं है। तो आप थोड़ी जाके खाएंगे पियेंगे, थोड़ी नींद पूरी करेंगे, फिर दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकलेंगे। क्यों जैन, ऐसा ही सीन है? हाँ भाई, है ना। तो मैं नींद आ रही है या जागने का प्रोग्राम है? सोई नहीं, कोई आपको नींद आ रही है, लेकिन नमाज़ नहीं छोड़ सकते। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चल रहे हैं थोड़ा मार्केट की तरफ, क्योंकि नाश्ता करना है, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रमज़ानों में सहरी के टाइम पर जो भूख लगती है उस टाइम पर खाया था, वो भी थोड़ा बहुत खाया था, लेकिन अब लग रही है ख़तरनाक भूख। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं अल्लाह वाला बेकर्स पर। यहाँ पे हम लेंगे अपने लिए नाश्ता, क्योंकि फ्रेस्को जो है वो फ्रेस्को और फसी को दोनों जो है वो इतने ज़्यादा जैम हुए हैं, इतना ज़्यादा रश है कि वहाँ पे एक डेढ़ घंटा तो ऐसे निकल जाएगा सामान लेने के लिए। तो हलवा पूरी हम वहाँ से नहीं ले पाएंगे, उसके अलावा हलवा पूरी बस रोड पर कहीं किसी और की अच्छी होती नहीं। तो मैं इसलिए सोचा कि हम अल्लाह वाले से ही आके नाश्ता ले लेते हैं। देसी जो है वो बिस्किट्स इधर होते हैं, देसी चीज़ें बने हुए बिस्किट्स होते हैं इधर, केक्स होते हैं, और उसके अलावा मिल्को का सामान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है, और फ्रेश आइटम्स भी बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पर जो है वो नाश्ता आइटम को हम ले सकते हैं ईजीली। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग जो हैं वो घर आ गए हैं नाश्ता वगैरह लेकर। अब चलते हैं, चल के फरवा से मिलते हैं ईद। अस्सलाम वालेकुम फरवा रानी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? टाटा कर दो फरवा, टाटा कर दो फरवा, टाटा कर दो, टाटा टाटा कर दो, टाटा। हैं किससे खेल रही हैं अभी? किससे खेल रही हैं? बैलून से खेल रही हैं? हैं देखो, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ फरवा, आपके लिए मैं वाला बैलून लेकर आया हूँ। ओए होए, रेड बैलून, वाओ। कैसी हैं फरवा? ईदी चाहिए फरवा? ईदी चाहिए? चाहिए, ईदी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ तो फ्रेंड्स, नाश्ते से हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, नाश्ता हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं ज़रा नीचे, नीचे आके देखते हैं कि क्या रौनक है, जो कि नहीं होगी, क्योंकि ईद वाले दिन सिर्फ लोग दो ही काम करते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और दूसरा सोते हैं। तो सन्नाटा पड़ा होगा, तो वही सन्नाटा चल कर देखते हैं, थोड़ा राउंड लगाते हैं और देखते हैं कि शहर की क्या सूरत हाल है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम मौजूद हैं सदर के साइड पर, और ये सारा का सारा जो है सेटअप बंद है, सन्नाटा पड़ा हुआ है। अभी आगे और भी जगह आएंगे, आपको दिखाते रहेंगे कहाँ का सन्नाटा पड़ा हुआ है। मतलब ईद के बाद आवाम जो है सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सोती है बस। ये आ गए हम अपना तिब्बत सेंटर पर, और सब सन्नाटा पड़ा हुआ, और धूप आपकी जो है ना वो चुम्मियाँ ले रही है। मैं कहता हूँ यार, साल में एक दफ़ा आती है ईद, तो उस पर बंदा जागे, इंजॉय करे, तफरी करे, घूमे फिरे। ये क्या नमाज़ पढ़ी सो जाओ, नमाज़ पढ़ी सो जाओ, पे आउटिंग करो, रिश्तेदारों से जाके मिलो, दोस्तों से जाकर मिलो, थोड़ी तफरी करो। माना गर्मी है थोड़ी, लेकिन थोड़ा बहुत तो निकलो। ये अगर लोग नहीं भी निकल रहे तो इसमें यह गलती मार्केट वालों की भी है कि कारोबार खाने पीने के सब बंद करके बैठे हैं। अभी ईद पे तो लोग निकलते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन वो जब बंद रखेंगे तो आवाम भी निकल के क्या करेगी। यागा जी, हम जामा के मज़ार पर। सलाम अलैकुम अहले कुबूर। गाजी की दीवानी, ये सही है भाई, इतनी धूप में भी ये लोग सही जा रहे हैं।
बस के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, जबकि अंदर से आप देखेंगे तो बस 100% खाली होगी, क्योंकि ईद के दिन बसों में ज़्यादा कोई सफ़र करता नहीं है, वो भी इस धूप में। सराइकी हैं या जो भी हैं, इनके अपने ही मज़े हैं। ज़रा दिखाओ आगे बढ़ो, ज़रा गाड़ी का हाल दिखाओ। ये देखें 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 देखें, अंदर से अच्छी खासी खाली है गाड़ी। ये हम आ गए पाकिस्तान चौक के साइड पर, लाइट हाउस के साइड पर, बेहतरीन। और अभी हम सीधा यहाँ से निकल रहे हैं पंस रोड। ये हम आ गए इलाके आरामबाग में। आरामबाग का मशहूर पार्क आप लोगों को दिखा दूँगा। ये आरामबाग का मशहूर पार्क है, ये आरामबाग का एरिया है, और पीछे आरामबाग मस्जिद है। रामबाग सुन लीजिए रिपोर्ट भाई, जब ये पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो इसका नाम रामबाग था, और अब इसका नाम आरामबाग है। ये आ गया मेन बंसोड पे, बंसोड पे थोड़ी चहल पहल देखने को मिल रही है, लेकिन रेस्टोरेंट यहाँ के भी सारे बंदे हैं, देखें सारा मज़ेदार। अलीम कैफे लजीज सब आ गए हैं यहाँ पे। आगा सच्ची आ गई है। ये आ गया आपका प्लेटर हाउस, आपका हमारा प्यारा प्लेटर हाउस आ चुका है। हलवा पूरी बिक रही है भाई, धबाधब हलवा पूरी बिक रही है। Hours later. और ये वाजभाई आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजभाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। ईद मुबारक। क्या हाल है? मुबारक ईद मुबारक। यार आज बहुत लेट मुलाकात हुई, क्योंकि आंख लगना इज वेरी बहुत जरूरी था, थोड़ा सोना था, लेकिन अच्छा हुआ सो गया, क्योंकि बहुत गर्मी थी यार, खतरनाक गर्मी। सब्सक्राइबर्स को मैं गर्मी दिखा चुका हूं कि रोडों का क्या हाल है, क्या सन्नाटा है। तो ऊपर ही मस्त है ईद पे, गर्मी के बगैर ईद नहीं है भाई। तो अभी हम चलते हैं कहीं, हम करीब की जगह दिख रहे हैं, वहाँ चल के पिक्चर्स दो चार अच्छे तस्वीरें लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग थोड़े बैठ के तफरियाँ करेंगे और फिर घर घर निकलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चल रहा है शूट एक एक करके, पहले भाज का हुआ, मेरा हुआ, अब जैन का शूट चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखें ये यहाँ पर शूट हो रहा है, ज़बरदस्त बहुत शूट हो रहा है। जैन पोज दे के खड़े हैं बेचारे, आप तस्वीर ले लो जैन। जैन पोज दे के खड़े हैं, ओहो ज़बरदस्त। असल में टाइम हमारे पास शॉर्ट था, तो यही लोकेशन हमें मिल पाई। टाइम कम है मुकाबला, टाइम कम की वजह से हमें यही लोकेशन मिल पाया, वरना हम और भी तीन जगह पे जा सकते थे, जो कि हमारा प्लान था कहीं जाने का। Three hours later. तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अपनी नानी के आ चुके हैं, और चल के आप सबसे ईद मिलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। चलो सबको आने दो, सबको बुला के लाओ, सबको बुला के लाओ। हाँ भाई, ये लो भाई, थैंक यू। और ये लो भाई, ये लो बहुत ऊपर से ही दिया मैंने। 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी जो है दावत निमट गई है, हमारी गेट टुगेदर थी नानी के यहाँ, तो ईदी बटने का सारा सेटअप भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा मैंने, बच्चों को ईदियाँ बाटियाँ और सब ने हमें ईदियाँ दी, और अच्छी खासी ईदी जमा हुई है। मज़ा आएगा, गिनूँगा बाद में गिनूँगा, लेकिन आज का दिन जो है बहुत अच्छा हमने गुजारा, बहुत अच्छे तरीके से हमने इन्जॉय करा। तो उम्मीद है आज की ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की ब्लॉग आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह से नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।